असर पड़ेगी। अच्छा सर, एक एक बात बताइए कि रुचि के हिसाब से काम करना बहुत अच्छी बात है या खराब बात है? हम आपका रिव्यू जानना चाहते हैं। देखिए, रुचि के अनुसार काम करना जरूरी है जी। सर तो, आपकी रुचि है, आप पढ़े लिखे हैं, जाहिर सी बात है कि आप भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप अपनी रुचि के अनुसार आप पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। जी, सर आई एम ऑल्सो एजुकेटेड, इट मीन्स नॉट दैट आई एम एजुकेटेड देन इफ आई विल बिकम एन IPS ऑफिसर देन आई विल डू द ओनली गवर्नमेंट जॉब। सर आई एम ऑल्सो एजुकेटेड एंड एजुकेशन इज द मेन बेस ऑफ आवर कंट्री। तो एवरीथिंग इज मस्ट बट एजुकेशन इज फर्स्ट, बिकॉज विदाउट एजुकेशन वी कांट डू एनी थिंग इन आवर लाइफ। इफ यू आर एजुकेटेड वी कैन डू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिली, इन आवर सेल्फ। CCTV न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो सुंदर देवाज पहुंच चुके हैं शिवाजी नगर हुसैनगंज प्रखंड के सिधौल पंचायत के टिकरी मार्केट में। टिकरी मार्केट में जैसे कि देखा जा रहा है कि टिकरी मार्केट में जिस प्रकार से ये एक परचून का दुकान है, जिसमें चूड़ी लहठी से लेकर और तमाम ऐसे टिकरी सिंदूर बिक रहा है, ये हम लोग कौन से जगह पर हैं? हम लोग हैं सर टिकरी बाजार, सिवान जिला के अंतर्गत पड़ता है और प्रतापपुर जो हमारे संसद साहब थे उन्हीं के गांव के निकट यह एक बाजार पड़ता है टिकरी बाजार, वहीं पे मेरा दुकान है, कॉस्मेटिक शॉप है जहाँ पे महिलाओं से संबंधित ब्यूटिफिकेशन से संबंधित सभी चीज़ें बिकती है। अच्छा, बहुत सारे दुकान हम लोग देखते हैं कि महिलाओं से संबंधित ब्यूटी से संबंधित ही आप लोग सामान बेचते हैं कहीं भी मार्केट में, का जीन से संबंधित सामान नहीं बिकता है क्या? बिकता का नहीं सर, आप कपड़ा वड़ा पहने सब जींस से संबंधित करते हैं, कोई लेडीज तो आपको ये पहना ही नहीं होगी, जाहिर सी बात है सर। तो हर एक चीज अपना अपना आदमी अपना डिपार्टमेंट का सामान बेचता है। हाई जो है थोड़ा सा कैमरा दिखाइएगा, हाई जो रखे हैं तरह तरह के आलता, ये कौन सा आलता है? नेल पॉलिश है। और ये भी नेल पॉलिश। और ये सिंदूर। और ये भी। अच्छा, ये सिंदूर कौन सा सिंदूर है? ये सिंदूर सर जिस तरह बिकता है वो बेस्ट क्वालिटी का सिंदूर। और लिक्विड लिक्विड में है कि कैसे में है? लिक्विड फॉर्म में है। वो काम करेगा जो शादी में काम होता है, काम होएगा? शादी वाला जो सिंदूर होता है वो अलग होता है, ये फैशन से संबंधित बनाया गया है जिसमें महिलाएं जो अपने पर्स में इसको कैरी कर सकती है इजीली, वो सिंदूर है। तो ये जो तरह तरह के जो ये सामान जो लगाए हुए हैं, ये क्या है? ये सर आपका फाउंडेशन है, तरह तरह का सामान लगाए हुए, ये शीशा है। तो ये लेडीज से ही रिलेटेड सामान है। फिर आप देखिए, एक मिनट सर, आइए, क्या है? ये भी लेडीज से का है और ये तो लेडीज का ही है, ये साफ दिख रहा है और ये लेडीज का है। पहले बताइए कि हमारे लिए क्या है जेंट्स के लिए? सर परफ्यूम है। कहाँ परफ्यूम है? बहुत सारा है, बहुत सारा परफ्यूम है। इसको यूज कैसे करना है? इसको यूज करना बहुत आसान है, इसका आप ये कॉर्क निकाल सकते हैं, इसको आप प्रेस कर सकते हैं, इसको आप ऐसे मार सकते हैं, इसका यूज हो गया सर, यूज हो गया, सुगंध अच्छा दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि दुकान के क्या नाम है आपका? रंजीत कॉस्मेटिक एंड गिफ्ट गैलरी। तो जैसे कि रंजीत कॉस्मेटिक गिफ्ट गैलरी में हम लोग एंट्री है, इसका अंदर हम लोग इनसे बात कर रहे हैं, और आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम रंजीत पड़ेगा। तो रंजीत से अभी काफ़ी विशेष हम इनसे बात होगी, बहुत कुछ इनसे हम लोग जानेंगे कि ये जो कॉस्मेटिक दुकान में है किस तरह का सामान बिकता है और बहुत कब कब यहाँ पे भीड़ लगती है? सर अभी तो एक्चुअली लगन जो है पिछले दिन दो दिन हुआ ख़त्म हुआ है और होली आने वाला है, तो थोड़ा सा दो चार दिन के बाद से दुकानदारी शुरू होगी और दिन का हम लोग दो बजे ये चूँकि वीडियो शूट हो रहा है सर, तो दिन में धूप निकल रहा है तो कस्टमर दिन में नहीं आते हैं मेरे पास, कस्टमर सुबह में 10 बजे करीब कस्टमर नहीं आते हैं, तो वीडियो बढ़िया से बन जाएगा और काफ़ी बढ़िया से आपके बारे में हम देख लेंगे कि क्या क्या बेचते हैं। बहुत सारे हम लोग दुकान में जाते हैं और पंचायत एरिया में जाते हैं और छोटा मार्केट में जाते हैं, तो बहुत सारा सामान नहीं मिलता है, लोगों को जिला में जाकर और उसको खरीदारी करना पड़ता है। जैसे शादी विवाह का माहौल चल रहा है, लगन चल रहा है, उसमें चाहिए कि एक लड़की को A to Z सामान चाहिए, तो कुछ ना कुछ घट ही जाता है, जिला में जाना होता है। तो अगर कोई आप पे भरोसा करके अगर आपका दुकान पर आता है तो क्या लड़कियों से संबंधित A to Z सामान मिलेगी? देखिए सर, हम लड़कियों से संबंधित ब्यूटिफिकेशन से संबंधित A to Z सामान रखते हैं और वैसे कस्टमर जो मेरे रेगुलर कस्टमर है, अगर उनको किसी कारणवश कोई सामान हम उपस्थिति नहीं पाते उस टाइम, तो हम उनसे ये वादा करते हैं कि ये सामान जो है आपको इस तिथि को चाहिए, तो उसे हम पहले लाकर उनकी रिक्वायरमेंट को हम लोग पूरा कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये लहठी है कि क्या है? इसको सर चूड़ी बोलते हैं, सेट वाली चूड़ी है, ठीक है, इसकी बहुत सारी वैरायटी जो है ये आपको लगा हुआ है और बहुत सारी वैरायटी है। थोड़ा सा इधर कैमरा क्लोज से देखिएगा, ये सब क्या है सर? इसको थ्री की स्कड़ा बोलते हैं। जी, मार्केट में इसका बहुत सारा रेंज आता है और ये कड़ा जो है आपको मार्केट में 100 रुपया का जो है ये कड़ा बिकता है, ये 6 कड़ा बिकता है, जिस कड़ा को औरतें जो हैं इसमें बीच में चूड़ी डालकर मैचिंग वगैरह लगाने का काम करती हैं, वही ये कड़ा है सर। बहुत सारी वैरायटी है। आइए ना थोड़ा सा इधर,
ये सब क्या रखे हैं? ये सब कुछ सर सब मतलब चेहरे से रिलेटेड क्रीम है, ठीक है, मेडिकेटेड क्रीम भी हम लोग रखते हैं जी। और वो जो रेगुलर क्रीम है जैसे फेयर लवली हो गया और बहुत सारा फाउंडेशन हो गया, प्राइमर हो गया, फेस पाउडर हो गया, आईलाइनर हो गया, आईशैडो हो गया, ये सब चीजों का काम है। ये जो है आपका मेडिकल से रिलेटेड कुछ है? जी जी, मेडिकल से रिलेटेड भी कुछ आइटम हम रखते हैं। और नीचे जो है ये सब मेडिकल से ही रिलेटेड और रेगुलर क्रीम भी है, जैसे आपका ये फेयर लवली हो गया, ये कोको का सी बटर आपका बॉडी लोशन हो गया, पॉन्ड्स का बॉडी लोशन हो गया, आपका बासमोल हो गया, जो समय से पहले लोगों का बाल सफ़ेद हो जाता है उसको ब्लैक करने के लिए, इस ब्लैक करने के भी संबंधित बहुत सारे क्रीम और पाउडर हमारे पास हैं और मेकअप से भी संबंधित बहुत सारे क्रीम पाउडर हैं इधर। ये सब सर बैंगल्स का रेंज है, ये सब चूड़ी का रेंज है, जो मतलब डब्बा वाली चूड़ी जो बिकता है, महिलाएं जो है इसको बहुत प्रीफर करती है, रेगुलर यूज में जो है ये चूड़ियाँ जो है बहुत काम आती है और यही सब चीज़ हम बेचते हैं। और ये जो ये सब चीज़ें जो है सर गांव देहात में लड़कियां जो हैं सर जो सिलाई बिनाई का काम करती है उस सिलाई बिनाई की चीज़ों में इसको मतलब यूज किया जाता है, जैसे पर्दे में लगाना, ठीक है, दौरी ओरी में लगाना, ये सब चीज़ें उसके यूज में आती है, ठीक है। और सब में और सर हम बहुत सारी चूड़ियाँ बेचते हैं, वेलवेट की चूड़ी बेचते हैं, मेटल की चूड़ी बेचते हैं, फोर पीस कड़ा बेचते हैं, थ्री पीस चूड़ी बेचते हैं, लहठी सेट बेचते हैं, ठीक है सर। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं महिलाओं से ब्राइडल से लड़कियों से संबंधित जो है हमारी दुकान पे मिल जाएगी आपको। तो ऐसे भी जैसे सुनने में आया है कि कुछ ऐसे आपके पास क्रीम है जो छाई वगैरह ख़त्म करता है और जो लोग कुछ ज़्यादा ही काले अगर हो तो कुछ चेहरे पर शाइनिंग आता है, ऐसे कुछ क्रीम है क्या सर? नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी होता है, ठीक है सर। एक होता है क्रीम का यूज यही है कि सर आपको थोड़ी देर के लिए जो है आपको ब्यूटिफिकेशन कर सकता है, आपको ब्यूटीफुल बना सकता है सर, नेचुरल ब्यूटी क्रीम नहीं बना सकती है, ठीक है। तो पार्टी फंक्शन हो गया, बर्थडे वगैरह हो गया, शादी विवाह हो गया, इस टाइम के मौके पर लोग जो है खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो उन सिचुएशन में हम लोगों को जो है अपना क्रीम प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते वे जो है थोड़ा पार्टी फंक्शन शादी विवाह के मौके पर थोड़ा खूबसूरत दिखते हैं। चूड़ी लहठी क्रीम पाउडर के अलावा और क्या क्या है आपके सर? हम बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, जैसे नाम वाला चूड़ा हो गया जो शादी विवाह के मौके में आजकल जो है, उसका कोई सैंपल है क्या? क्या सैंपल दिखाइएगा जी जी, जो नाम वाला चूड़ा दिखाइएगा, थोड़ा कैमरा दिखाइएगा। इसमें ये जो सर यहाँ पे आपका फोटो का काम हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर फोटो लगेगा, आपका नाम लिखा जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पर फोटो आएगा और यहाँ पर फोटो आएगा और नाम कहाँ पे लिखाएगा? ये बीच में आप लिख सकते हैं यहाँ पे सर। अच्छा, यहाँ पर बीच में हम लोग ऑर्डर ले लेते हैं और इससे करके इसको और थोड़ा सा खूबसूरत बना के हम लोग अपने से काढ़ा वगैरह ऐड करके इस चूड़ा को इस टाइप का चूड़ा बना देते हैं, जो बड़ा वगैरह दिखता है, ठीक है, और सुंदर भी दिखता है। तो ये कहाँ से आप लोग मंगाते हैं सर? ये अलग अलग हम लोग का बैंगल्स का काम अलग अलग है, शीशे का जो चूड़ी है सिवान से भी काम होता है और सर फिरोजाबाद जो है शीशे के काम के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, सुना गया है कि दरभंगा साइड में भी चूड़ी लट्ठी वाला सर? हमको कुछ आइडिया नहीं, हमको मतलब मेन आइडिया जो है जयपुर का और दिल्ली का और फिरोजाबाद का है, इन तीन जगहों से हमारा काम होता है, ठीक है सर। और अलग अलग ब्यूटिफिकेशन का काम अलग अलग स्टेट से किया जाता है। और चूड़ी चूड़ा वाला तो बता दिए, बैग वगैरह भी है क्या आपके पास? लेडीज से लेते हैं सर, ये सब है, ये सब लेडीज बैग है। और इसके अलावा बाहर भी जो सर वो बोरा वगैरह है उस सब में हम लोग बैग वगैरह रखें, ऊन का भी काम होता है, सिलाई उलाई का संबंधित ऊन वगैरह बेचते हैं। लगभग एक तरफ से देखा जाए तो लड़कियों को जो चाहिए सिलाई कढ़ाई करने के लिए या ब्यूटी से संबंधित, नेल पॉलिश हो गया, अल्ता हो गया, क्रीम हो गया, तमाम लगभग ए टू जेड आपके पास सामान सर मेरे पास अवेलेबल है। कोई भी मतलब कस्टमर जो है मेरे पास लौट नहीं सकता है, जितना उसको सजावट का सामान चाहिए वो सब मेरे दुकान पे अवेलेबल रहता है। नहीं रहता है तो हम कस्टमर को लाके वो चीज़ें दे देते हैं। एक बार बता दीजिए कि आपका दुकान कहाँ पड़ेगा? मेरा दुकान सर टिकड़ी बाजार एक पड़ता है, नियर प्रतापपुर जो गाँव है और सिवान जिला के अंतर्गत आता है, सिवान से 6 किलोमीटर दूर मेरा ये दुकान पड़ता है और यहीं पे सर ये सभी चीज़ें हम बेचते हैं। लेकिन आप कौन से क्लास तक पढ़े लिखे हैं? सर हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ये बताइए कि ग्रेजुएशन करने के बाद से जी। सभी लोग यूपीएससी बीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहा है और बहुत सारे लोग नौकरी कर रहा है, तो जब आप इसे पढ़े लिखे लोग ये ब्यूटी कॉस्मेटिक का दुकान चलाइएगा तो आने वाले जनरेशन के क्या असर पड़ेगी? अच्छा सर एक बात बताइए कि रुचि के हिसाब से काम करना बहुत अच्छी बात है या खराब बात है? हम आपका प्रीव्यू जानना चाहते हैं। देखिए रुचि के अनुसार काम करना जरूरी है जी। सर तो, आपकी रुचि है, आप पढ़े लिखे हैं, जाहिर सी बात है कि आप भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप अपनी रुचि के अनुसार आप पत्रकारिता का काम कर रहे हैं जी। सर आई एम ऑल्सो एजुकेटेड, इट मीन्स नॉट दैट आई एम एजुकेटेड देन इफ आई विल बिकम एन आईपीएस ऑफिसर देन आई विल नॉट आई विल डू द ओनली गवर्नमेंट जॉब। सर आई एम ऑल्सो एजुकेटेड एंड एजुकेशन इज द मेन बेस ऑफ आवर कंट्री। तो इंसान को शिक्षित होना चाहिए चाहे वह जिस फील्ड में भी काम करो। मेरा एक मतलब मोदी जी का और विराट कोहली का एक स्टेटमेंट मुझको बहुत अच्छा लगा कि जरूरी नहीं है कि आप जो हैं
क्या बोलते हैं मोदी ही बनी, आप जिस फील्ड का काम कीजिए उस फील्ड में आप परफेक्ट बनी। मैंने मोदी जी का नाम लेकर मोदी जी के प्रमोशन कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट मोदी जी, इट्स इज ओनली स्टेटमेंट ऑफ मोदी जी। ठीक है, हम कॉस्मेटिक के दुकान में, कॉस्मेटिक के दुकान में आप खड़े होकर इंग्लिश बोल रहे हैं जी। इधर वीडियो वायरल हो जाएगा, देखिए कॉस्मेटिक वाला इंग्लिश बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम तो चाहते हैं वीडियो वायरल, हम बस लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि आप किसी भी फील्ड में काम कीजिए आपको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। मतलब इतना डर हो गया कि भाई हो सकता है कि कॉस्मेटिक वाला इंग्लिश बोल रहा है तो कहीं बैग बेचने वाला कहीं पीएचडी करके ना बैठे वहाँ लॉ ना सिखाने लगे। ये एक मैसेज जा रहा है उन सब व्यवसायी वर्ग के लोगों को, एक ये मैसेज जा रहा है कि आप जिस फील्ड का काम कीजिए एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। इफ़ यू आर एजुकेटेड यू कैन क्रैक एनीथिंग, यू कैन गेट एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग If you are educated। तो सर हम educated हैं, हम अपना काम करते हैं, और एक education, educated people जो किसी भी field के काम को बेहतर तरीके से करता है। तो आपका इसी में मन लगता है? जी मुझे बहुत रुचि आती है इस काम को करने में, और जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट का बात है तो मेरा बिजनेस जो है उस टाइप का प्रॉफिट हमको दे देता है जिस प्रॉफिट से मतलब मेरे घर का खर्चा, मेरा खर्चा, फैशन के दौर में इन क्या बोलते हैं इन खर्चा वाले दिनों में भी अगर आपका अच्छा से मैनेजमेंट हो जाता है तो इससे बेहतर किसी को क्या कितना कमा लेते हैं महीना में? सर ये कमाने की बात जो है डिपेंड करता है कि वो सीजन कौन सा चल रहा है। अगर खरवास के दिन में बोलिएगा तो सर वो अलग सीजन होता है, उसमें कोई नहीं कमा पाता है। लगन के दिन में बोलिएगा तो सर हर एक कोई आदमी जो है अपना जितना सोचा रहता है उतना कमा लेता है। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कपिल जी से, और दुकान का क्या नाम बताए थे? रंजीत कॉस्मेटिक एंड गिफ्ट गैलरी। रंजीत कॉस्मेटिक एंड गिफ्ट गैलरी, इन्होंने बताया कि एवरीथिंग इज मस्ट बट एजुकेशन इज फर्स्ट, बिकॉज विदाउट एजुकेशन वी कैन डू एनी थिंग्स इन आवर लाइफ। इफ यू आर एजुकेटेड वी कैन डू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिली, इन आवर सेल्फ। आप शिक्षित होइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षित होने के बाद से मजबूरी है कि हमको यही काम करना है। जिसमें आपका रुचि है आप वही काम करिए। मैं यहाँ पर आकर ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये था कि एक एजुकेटेड पर्सनालिटी, जो यूपीएससी बीपीएससी लेवल का तैयारी करने वाला पर्सनालिटी, आज इस कॉस्मेटिक दुकान में, ब्यूटी कॉस्मेटिक दुकान में कॉस्मेटिक दुकान खोलकर और इसके इतने टॉप लेवल पर लेकर चले गए हैं कि तमाम लेडीज से संबंधित, लड़कियों से संबंधित, ब्यूटी से संबंधित तमाम ऐसे चीज़ें मिलती है कि शायद किसी कॉस्मेटिक दुकान में मिलती है। जैसे कि हम लोग रिव्यू ले जाए कि यहाँ पर देखें मेडिकल से रिलेटेड भी बहुत सारा क्रीम है, साबुन भी है, बहुत सारा लहठी है, चूड़ी है, जो दरभंगा जाना होता है, कलकत्ता जाना होता है नामों वाला चूड़ी लगाने के लिखवाने के लिए, लहठी मंगाने के लिए, बहुत सारा ऐसा देखिए ये जो गुड़िया वगैरह है, जो मोती वगैरह है, जिला में जाना पड़ता है, ऑर्डर करके मंगाना पड़ता है, लेकिन इनके पास तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे चीज़ जो मेल का सामान है रखने के लिए वो ब्रेन का ज़रूरत है, और जब तक ब्रेन नहीं होगा तब तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मैं भी कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर एजुकेटेड वी कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ। तो मैं चाहूँगा कि पढ़िए लिखिए जरूरी है, लेकिन कुछ आत्मसम्मान के लिए, कुछ अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपने कला दिखाने के लिए, जिसमें आपका रुचि है उसमें आप काम करिए।